नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग मेंटेनिंग एफिशिएंसी के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भारतीय स्किल में दिए गए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ए वर्कर हेल्प्स ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाई यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, सच ए वर्कर इज कॉल्ड। यानी मान लीजिए जो वर्कर जो भी रिसोर्सेस है जो भी संसाधन है उसका यूज करके बेस्ट आउटपुट दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे प्रोडक्टिव वर्कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेट द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यानी अगर प्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, तो उसका बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो कंट्री का इकोनॉमी ग्रोथ होगा। इस तरह से सरकार को फ़ायदा है। नेक्स्ट है कंज्यूमर, जो खरीदेगा कंज्यूम करेगा तो कंज्यूमर को किस तरह से फ़ायदा है, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसे क्या होगा, सस्ता मिलेगा सारा प्रोडक्ट, इस तरह से कंज्यूमर को फ़ायदा है। वर्कर जो काम वहाँ पे करेगा उनका सैलरी बढ़ेगा, साथ ही साथ प्रमोशन का चांसेस होगा। नेक्स्ट है बिजनेस, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, बिजनेस भी ग्रो करेगा, तो इस हिसाब से आपका क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कैन बी एफिशिएंट एट द वर्क प्लेस। कोई किस तरह से एफिशिएंट हो सकता है वर्क प्लेस में, तो हम लोग उसे एफिशिएंट वर्कर कहेंगे जो पंक्चुअल होगा, ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा, सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एफिशिएंट वर्कर कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है सेफ्टी इंक्लूड्स, तो सेफ्टी अगर हम लोग देखेंगे सेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी मतलब अपने आप को किसी दुर्घटना से बचाना, किसी खतरा से बचाना, इसी को सेफ्टी कहा जाता है। तो सेफ्टी में क्या आएगा, प्रॉपर हाउसकीपिंग, प्रॉपर हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग मतलब क्या है, हाउसकीपिंग मतलब साफ सुथरा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी जो भी आपका टूल्स होगा उसका प्रॉपर स्टोरेज, अगर जैसे मान लीजिए जो भी टूल्स होगा, सपोज मान लेते हैं हमर हथौड़ा, तो उसको अलग जगह रखना है, हैक्सो को अलग जगह रखना है, तो ये होता है प्रॉपर स्टोरेज। और जब टूल्स को हैंडल करेंगे, ठीक है, जब टूल्स को हम हैंडल करेंगे या इक्विपमेंट को हैंडल करेंगे तो मतलब प्रॉपर तरीके से हमें हैंडल करना होगा। नेक्स्ट है अगर हम लोग पीपीई का यूज करेंगे, ठीक है, अप्रोप्रिएट पीपीई का यूज करेंगे तो इससे भी हमें क्या होगा, इससे भी हम लोग अपने आप को खतरा से बचा सकते हैं। तो ये सारा क्या होगा, सेफ्टी में ही आएगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा और ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोथ ऑफ डेज, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा तो क्या होगा, इकोनॉमी ग्रोथ होगा किसी भी कंट्री का, ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमी ग्रोथ ऑफ ए कंट्री इज, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है किसी भी कंट्री का, तो क्या होगा, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लीजिए जो भी गुड्स होगा या जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, अगर उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, जो भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा होगा या फिर गुड्स उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क बिकॉम्स मोर एफिशियंट विथ, ठीक है, वर्क किस तरह से ज़्यादा एफिशियंट होगा, ज़्यादा दक्षता इसमें होगा, तो टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन, यानी अगर हम लोग टीम वर्क यानी सहयोग के साथ हम लोग अगर काम करेंगे, ठीक है, तो हमें इसका बहुत फ़ायदा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग देख कर बहुत चीज सीख सकते हैं जो अदर एम्प्लॉई होगा जो टीम वर्क में होंगे, ठीक है, साथ ही साथ एक दूसरे को इनक्रेज करेंगे, हेल्प करेंगे, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग काम को काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या होता है इसको समझ लेते हैं, मान लीजिए किसी भी कंपनी में, ठीक है, किसी भी कंपनी में मान लीजिए 20 पेन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मान लीजिए 20 पेन का प्रोडक्शन होता है, तो इसका जो करेंट मार्केट प्राइस है, सपोज मान लीजिए एक पेन का 10 रुपया है, ठीक है, तो 20 पेन का क्या हो जाएगा, 20 पेन का 200 रुपया, तो ये आपका जीडीपी में ऐड हो जाएगा, ठीक है, 200 रुपया आपका जीडीपी में ऐड हो जाएगा, तो ये 200 रुपये क्या है, ये आपका जीडीपी में ऐड होगा। ये अगर मान लीजिए एक साल में 20 पेन का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, और सपोज मान लीजिए यही हम लोग, ये आपका मान लीजिए 2022 में हमारा क्या है, 20 पेन का प्राइस क्या है, 200 रुपया, ये अगर मान लीजिए 2030 में
2030 में क्या हो जाएगा, एक पेन का मान लीजिए प्राइस क्या हो जाएगा 20 रुपया, तो 20 गुना 20 क्या हो जाएगा 400 रुपया, तो ये 400 रुपये GDP में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो पहले क्या होता था 200 रुपये ऐड हो जाता था, अब यहाँ पर 400 रुपया, तो क्या हो रहा फिर आपका 200 रुपया ही इंक्रीज हो रहा है अगर इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो। तो ये आपका क्या होगा रियल GDP, रियल GDP कितना हो रहा है 200 रुपया हो रहा है। तो किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो किससे मेजर किया जाता है, आपका रियल GDP से मेजर किया जाता है, और कंट्री में जितना भी आउटपुट हो रहा है इससे मेजर किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन द कंट्रीज टोटल आउटपुट, और रियल क्या होगा रियल GDP होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही मैंने अभी आपको तुरंत बताया। ठीक है, तो कंट्री में जो भी आउटपुट हो रहा है ठीक है उससे हम लोग उसे इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर किया जाता है, या फिर रियल GDP, रियल GDP मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आवर सेल्फ फॉर ए बेटर फिजिकल सोशल इंटेलेक्चुअल स्टेट इज कॉल्ड, यानी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना फिजिकली सोशली इंटेलेक्चुअली, इसे क्या कहा जाता है इसे पर्सनल ग्रोथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफर्ट टेकन टू लर्न न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू, अगर मान लीजिए हम लोग एफर्ट लगाते हैं नया स्किल सीखने में, नया टेक्नोलॉजी को सीखने में, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं अपने प्रोफेशन में ग्रो कर सकते हैं, अपना जो व्यवसाय है अपना जो प्रोफेशन है उसमें हम लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम वर्क हेल्प्स टू, टीम वर्क से क्या होता है किस तरह से मदद करता है, लर्न फ्रॉम पीयर्स यानी एक दूसरे को देख कर हम लोग सीख सकते हैं, कोलाबोरेट विथ अदर एम्प्लॉई, ये तो आपका टीम वर्क मतलब टीम वर्क में ही आ जाएगा, तो एक दूसरे के साथ जब सहयोग के साथ जब हम काम करेंगे तो उनसे भी हमें सीखने मिलेगा। ठीक है, बी एफिशिएंट एट वर्क, ठीक है तो हमें दक्षतापूर्वक उसमें काम करना होगा जब हम टीम वर्क करेंगे तो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या है पोमोट्रो इज टेक्निक दैट कैन बी यूज फॉर, तो पोमोट्रो क्या टेक्निक है किस लिए यूज किया जाता है, पोमोट्रो टेक्निक यूज किया जाता है टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, पोमोट्रो टेक्निक किसके लिए यूज किया जाता है टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो इसको इसका नाम पोमोट्रो क्यों पड़ा, इसका नाम पोमोट्रो इसलिए पड़ा क्योंकि जो भी इस टेक्निक को इन्वेंट किया था वो जिस टाइमर का यूज करते थे उस टाइमर का शेप क्या था टोमेटो शेप का था। ठीक है, उस टाइमर का शेप क्या था टोमेटो शेप का था, और इस टोमेटो को इटालियन ये टोमेटो को इटालियन में क्या कहा जाता है इटालियन में इसे पोमोट्रो कहा जाता है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा पोमोट्रो टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है 25 मिनट का अलार्म सेट कर दिया जाता है, आपको एक टास्क करना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या करेंगे सबसे पहले मान लीजिए आप WCS पढ़ते हैं 25 मिनट, फिर आपका जैसे ही अलार्म बजेगा फिर आपको बंद कर देना है 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आपको फिर 25 मिनट का अलार्म सेट करना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, इसी तरह से 4 बार 25 मिनट करके आपको अलग अलग टास्क करना अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर थोड़ा लंबा ब्रेक लेना है 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आपको इसको इस तरह से फिर कंटिन्यूस करना है। ठीक है, तो इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। तो पोमोट्रो टेक्निक क्या हुआ है पोमोट्रो टेक्निक का यूज टाइम मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पोमोट्रो इज इटालियन वर्ड फॉर, किसके लिए है टोमेटो के लिए है। हाउ मेनी स्टेजेज आर देयर इन प्रोफेशनल ग्रोथ, तो प्रोफेशनल ग्रोथ में 5 स्टेज होता है, कितना स्टेज होता है 5 स्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मिंग आवर सेल्फ फॉर ए बेटर फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेट, ठीक है तो यही हम लोग ने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, इसको क्या कहा जाता है पर्सनल ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो दे नीड टू, क्या करना होगा अगर मान लीजिए किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो क्या करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट रहना होगा चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेज हो रहा है उसके साथ अपडेट रहना होगा, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा ग्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज टेक्नोलॉजी चेंजेज ऑर्गेनाइजेशन नीड टू, जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी चेंजेज हो रहा है तो आपको क्या करना होगा बाय हाई एंड मशीनरी, मतलब आपको उस तरह का इक्विपमेंट खरीदना होगा जो एक्सपेंसिव होगा अच्छा क्वालिटी का होगा। नेक्स्ट क्या है आपको जो भी आपका एम्प्लॉय होगा उन्हें ट्रेनिंग देना होगा सेफ्टी, आपका जो एम्प्लॉय होगा उन्हें सेफ्टी ट्रेनिंग देना होगा। ठीक है, इस तरह से
आपका जो भी टेक्नोलॉजी चेंजेज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारा चीज़ करना होगा। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई व्हिच इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस पीपल मैनेजमेंट। ठीक है, तो कौन सा पीपल मैनेजमेंट का सही प्रैक्टिस नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, गिविंग मेमो फॉर एवरी मिस्टेक। अगर मान लीजिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर कोई आपका ऑपरेटर काम कर रहा है, तो जब भी वो गलत करेगा, अगर आप उसको मेमो दे देते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, डिसाइडेड होता है कि इतना मेमो के बाद हो सकता है उनका प्रमोशन रुक जाएगा, उनका सैलरी डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये आपका सही पीपल मैनेजमेंट नहीं होगा अगर आप हर मिस्टेक के लिए उन्हें मेमो दे देते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस द प्रॉब्लम हैव बीन आइडेंटिफाइड वी नीड टू ब्रेक देम डाउन इंटू सिंपलर एलिमेंट्स बिकॉज वी कैन डेस द सॉल्यूशन। तो जो भी मान लीजिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो प्रॉब्लम को सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को छोटे छोटे एलिमेंट्स में हम लोग तोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग आसानी से उस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम पता चला, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटा छोटा एलिमेंट में ब्रेक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग आउट अ फॉर्म बाय आंसरिंग क्वेश्चन इज ए पार्ट ऑफ। तो बहुत तरह का सर्वे होता है, तो जहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है, मान लीजिए आप सर्वे कर रहे हैं, तो आप क्या कस्टमर को क्वेश्चन देंगे और उन्हें कस्टमर को फिल करना होगा, तो उस तरह का सर्वे को क्या कहा जाता है, क्वेश्चनेयर सर्वे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चैलेंजेज फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर आर डेस एनी अदर वर्कर। तो माइग्रेंट वर्कर मतलब क्या होता है, प्रवासी मजदूर जो बाहर से आते हैं, तो उन्हें कितना चैलेंजेस फेस करना होता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना होता है। किस तरह का चैलेंजेस, जैसे मान लीजिए उनको रेंट देना होता है, एकोमोडेशन का खर्चा होता है, ठीक है, तो इस तरह से उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द की रीजन आइडेंटिफाइड एज अफेक्टिंग माइग्रेंट लेबरर मोस्ट इज। तो मतलब क्या की रीजन है जिससे माइग्रेंट लेबर को ज़्यादा इफेक्ट होता है? तो पहला ऑप्शन है लेक ऑफ लिटरेसी। ठीक है, तो लिटरेसी का अगर कमी रहेगा तो उन्हें ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना होगा, उन्हें ज़्यादा असर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेस टू प्रोवाइड वाटर पावर एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज टू द वर्क फोर्स। तो ये किसका काम है, ये काम है मैनेजमेंट का। जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तो मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको वाटर प्रोवाइड करना, पावर प्रोवाइड करना, जो भी आपका बेसिक फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर्कर आर माइग्रेटिंग कंपनी शुड कॉन्टैक्ट। यानी अगर वर्कर क्या है, माइग्रेटिंग है यानी प्रवासी मजदूर है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम कॉन्टैक्ट करना चाहिए। यानी जिसे आपका मतलब ये क्या है, वेलकम प्रोग्राम मान के चले, जो भी आपका माइग्रेंट वर्कर होगा उन्हें वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उनका स्वागत किया जाएगा, तो इसी को क्या कहा जाता है, फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम कहा जाता है, ये आपको कॉन्टैक्ट कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस इज हेल्पफुल फॉर कलेक्टिंग एम्प्लॉय फीडबैक एंड अंडरस्टैंडिंग देम। तो ये क्या है, अगर एम्प्लॉय से आपको फीडबैक लेना है और उसको समझना है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे एम्प्लॉय सर्वे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक ऑफ प्रोडक्टिविटी इज अ सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी, इट इज कॉज्ड बाय वेस्ट ऑफ। ठीक है, तो लेक ऑफ प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन का कम होना, ये क्या है, सीरियस मतलब सोसाइटी को डर होता है कि अगर प्रोडक्शन कम होगा तो इसका नेगेटिव असर होगा, तो ये किस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए टाइम का वेस्ट होगा, जो भी संसाधन है उसका वेस्ट हम लोग करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये सारा रीजन है जिसके कारण क्या हो सकता है, प्रोडक्टिविटी कम हो सकता है। तो क्या होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कंपनी इज नॉट प्रोडक्टिव इट हैज ए डेस इफेक्ट ऑन इट्स एम्प्लॉय एंड सोसाइटी। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका क्या असर पड़ेगा, इसका नेगेटिव असर पड़ेगा एम्प्लॉय के ऊपर, हो सकता है उनका काम बंद हो जाए, सोसाइटी के ऊपर भी क्या होगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी क्रिएट। तो अगर कोई एम्प्लॉय आपका क्या है, इरेस्पॉन्सिबल है, तो वो कंपनी को लॉस भी करा सकता है, इन्वायरमेंट को इससे इफेक्ट भी पड़ेगा, रिसोर्सेस का आपका वेस्ट होगा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू, अगर प्रोडक्टिविटी कम होगा तो क्या होगा, लो एम्प्लॉयमेंट, कम रोजगार मिलेगा, कम इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है, सेविंग भी कम होगा, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इज अ डेज प्रोसेस, तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार में नहीं होता है। अगर आपको प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करके रखना है, इम्प्रूव करना है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट है एफिशियंट प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक इंश्योर, एफिशियंट प्रोडक्टिविटी ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है इंडिविजुअल ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, ये दोनों का ग्रोथ को क्या करता है, इंश्योर करता है, ठीक है। ये कौन इंश्योर करता है, एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक। तो अगर मान लीजिए प्रोडक्शन आपका क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा प्रोडक्शन में, तो क्या होगा, सबका ग्रोथ होगा, इंडिविजुअल का ग्रोथ होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्कर हु फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, तो क्या गुण होगा वर्कर का जो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टीम वर्क होगा, विजन होगा, गोल्स होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए जो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है, उनका गुण क्या होगा, टीम वर्क में काम करेंगे, उनका विजन होगा यानी लॉन्ग टर्म गोल जिसे हम लोग कहते हैं, एक गोल होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो अगर काम करेंगे तो प्रोडक्शन में आपका इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी इज द डेज ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, मेजरमेंट और एफिशिएंसी दोनों चीज़ है। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी मतलब ये देखा जाता है कि किसी अगर कोई आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो उसका एफिशिएंसी क्या है, वो कितना प्रोडक्ट उससे बन रहा है, साथ ही साथ मतलब एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है। तो इस तरह से ये क्या होगा, मेजरमेंट होगा और एफिशिएंसी दोनों होगा। तो दोस्तों ये था आपका मेंटेनिंग एफिशिएंसी का 34 MCQ। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।